राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो आज है दिन सोमवार। मेरा ब्लॉग सैटरडे को पहुंचा था, संडे को मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई। लेकिन धीरे धीरे उठकर मैंने काम सारे किए और बस चलिए, तो मैं ये झाड़ लेती हूँ। लेकिन आपको आवाज़ आ रही होगी कि कूड़ा, जो नगर परिषद वाले जो कूड़ा लेने आते हैं ना, कचरा वगैरह, तो वो आ गया है। तो मैं पहले तो जाके कूड़ा डाल के आती हूँ, उसके बाद यहाँ चादर वगैरह बिछाऊंगी। तबीयत कितनी भी ख़राब हो औरत की, मैंने खुद से महसूस किया है कि वो लेट नहीं सकती है। वो उसका ऑटोमेटिक उसका खुद का ही मन करेगा कि, मतलब मन ऑटोमेटिक ही होता है कि अब जैसे कूड़ा वाला आ गया, कभी कुछ तो उसको लगेगा लो मैं अगर कूड़ा डालने नहीं गई तो कूड़ा पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा। चावल की बोरी काफ़ी दिन से नीचे रखी थी, मैं इसको ना ऊपर रखवाना चाह रही थी लेकिन ये ऊपर मना कर रहे हैं। तो फिर मैंने खिसका के, चलो मैंने कहा यहाँ से बीच से हटा के इसको कमरे के अंदर ही रख देती हूँ। तो झाड़ू वगैरह लगा के बस सीधा मैं नहाने ही जाऊँगी, क्योंकि नाश्ता तो हो गया है, बच्चों का ब्रेड वगैरह इन लोगों ने खा ली है, तो बस कुछ मैं लंच में बना लूँगी सीधा। और औरत होने की सबसे बड़ी निशानी तो यही है कि वो कितनी भी बीमार हो जाए, जब तक वो अपने घर के थोड़े बहुत काम नहीं निपटा लेगी, उसको सच में एक सेटिस्फेक्शन सा नहीं मिलता है। मेरी नहीं, हर औरत के अंदर एक ये क्वालिटी होती है, नहीं तो उसका मन बेचैन सा बना रहता है कि नहीं ये नहीं हुआ, बच्चों ने खाया नहीं है, तो वो कर लेती है तो उसका आधा रोग, मतलब वो शांत सा मन हो जाता है। तो पूजा के बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं और ये फल लेके आए थे, तो भगवान को फल भी चढ़ाऊंगी। और अभी दूध वाले भैया आए नहीं हैं, तो बस अब मैं करूंगी पूजा। तो अभी मंदिर में पोछा लगाना है मुझे, तो सब उससे मतलब पूजा करने से पहले मैं पोछा लगा लेती हूँ, और पोछा मैं नहाने के बाद ही लगाती हूँ। मतलब मन ही नहीं मानता मेरा कि मतलब बिना नहाए मंदिर में जाना मुझे, मतलब वहाँ पर कुछ चीज़ें भी ऐसे रखी होती हैं तो उनको भी थोड़ा बहुत हाथ लगाना होता है, तो दिल नहीं करता है कि सोचती हूँ छोटा सा मंदिर नहाने के बाद ही लगा लूँगी। पोछा वगैरह लग गया है तो बस अब मैं, तो अभी पंखा चल रहा है, मैंने चला दिया था ताकि थोड़ा सूख जाए, तो सूख गया है, तो बस अब मैं फ़ैन ऑफ कर दूँगी। तो यहाँ पूजा भी हो गई है, तो पूजा मैंने कर ली है, तो मैं जा रही हूँ ये दाल, अरहर की दाल भिगो देती हूँ। ये अरहर की बना ले रही हूँ क्योंकि अब मतलब आज मेरी ना कल से, हाँ कल मेरी तबीयत सही नहीं थी तो व्रत मैंने रखा नहीं है। तो ये मैंने लौकी और तोरी थोड़ी सी छील के रखी है, तो इसकी मैं बिल्कुल हल्के मसाले की सब्ज़ी बनाऊँगी अपने लिए। तो ये वैसे मैंने इन लोगों के लिए ये भिगोए थे राजमा और चना, इसमें मैं मूँग की दाल डाल के दाल मखनी बनाने जा रही थी, लेकिन टमाटर आए नहीं सुबह, सब्जी वाले भैया आए लेकिन टमाटर लेके नहीं आए। तो फिर मैंने कहा, और थोड़ा अब मेरे मन भी नहीं हो रहा, मैंने कहा अब देखूंगी कल बनाऊंगी या फिर शाम को बनाऊंगी। तो और बस इन लोगों को मैंने सुबह ना ब्रेड से की थी, तो तबीयत तो मेरी ऐसी ही थी, तो धीमे धीमे करके फिर मैंने काम किए, तो थोड़ा लेट भी हो गई मैं, तो बस इसीलिए मैं सोच रही कि अभी तो दाल चावल डाल देती हूँ इन लोगों के लिए, थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसमें तो टाइम लगेगा। तो बस और मुझे फिर अपने लिए ये भी बनानी है, तो मैंने थोड़ी सी भिगो देती हूँ, इसके बाद मैं इसको चढ़ा दूँगी। तो यार ये ब्रेड उठा के रख देती हूँ, तो ये धनिया भी ख़त्म हो गई थी, पिसी हुई धनिया ख़त्म हो गई, तो ये रखी है, तो मैं इसको धूप में रखाती हूँ, तो इसको भी पीस लूँगी। थोड़ी सी मैंने निकाल ली, मैंने कहा ज़रा सी पीस लूँगी, देखती हूँ पिसती है कि नहीं, क्योंकि आजकल बरसात में ना जल्दी सील जाती है। तो अब मैं इसको धूप में, सृष्टि इसको धूप में रखाओ जाके खा के पहले। ये खा रही है मैंगो, ये लोग भी नहा चुकी हैं, तो चलिए मैं चढ़ा देती हूँ ये दाल
और दूध वाले भैया भी नहीं आए, थोड़े से चावल भी भिगो के रख देती हूँ। तभी मैंने कल ना ब्लॉग नहीं बनाया, वो तबीयत मेरी बिल्कुल, काम तो मैंने किए लेकिन बस ऐसे ही धीरे धीरे करके किए काम, तो बस चलिए पहले मैं चढ़ा देती हूँ। तो मसाले भी ख़त्म हो गए थे तो मैंने कहा लाओ भर लेती हूँ। तो दाल चढ़ा दी है, बस थोड़े से एक दो फॉल मतलब खोलने लगेगी ना तब ढक्कन लगाऊंगी। ऐसे पहले ढक्कन लगा दो तो लीक सी होती है, तो इस वजह से खोलने लगे ना तब लगाओ ढक्कन तो दाल फिर बाहर नहीं निकलती है। तो यहाँ पे हल्दी ख़त्म हो गई थी, मिर्ची ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कल लाओ साथ के साथ ये भी भर देती हूँ। और धनिया मैंने थोड़ी पीसी है लेकिन उतनी अच्छी नहीं पीसी है, धूप में डालूँगी तभी पिसेगी ये। और मैंने ना वो पीछे भगवान जी के भजन चल रहे हैं तो बस मैं ऐसे ही काम करती हूँ, भगवान के भजन चला लेती हूँ, अपना मगन रहती हूँ अपने काम में, पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैंने साथ के साथ चावल भी चढ़ा दिए, तो अब मैं ये तोरी काट लेती हूँ। दोनों चीज़ें जब तक बनेगी तब तक तोरी कट जाएगी। तो तोरी मैंने काट ली है, तो कढ़ाई भी चढ़ा दी है साथ के साथ। तो मैं तोरी आज थोड़ी सी घी में बनाऊँगी, वैसे मैं सब्ज़ी ज़्यादातर तो ऑयल में ही सारा काम होता है मेरा, चाहे वो दाल का तड़का हो या पराठे हो पूड़ी हो कुछ भी हो, जब व्रत वगैरह का बनना हो तो ही मैं घी में बनाती हूँ, नहीं तो मैं ऑयल ही सरसों का ऑयल ही इस्तेमाल करती हूँ। और मेरी मुझे आदत भी है शुरू से, क्योंकि मैंने सरसों के ऑयल के ही मतलब बचपन से ही खाया है पराठे पूड़ी वगैरह, तो वो आदत भी पड़ी है और बच्चों की भी पड़ गई है। तो बस यहाँ पे लेकिन मैंने सोचा चलो आज तोरी थोड़ी घी में बना के देखती हूँ कैसी बनती है। तो बस यहाँ पे तोरी में मैंने हींग नहीं डाली है, केवल जीरा डाला है। तो जीरा हो जाएगा तो मैं ये तोरी डाल दूँगी और नमक डाल के इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, उसके बाद मैं मसाले डालूँगी। और मसाले तोरी में लौकी में मैं हल्के ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे ना लौकी तोरी हल्के मसाले की है। पनीर फाड़ा था तो फिर मैं ऐसे ही रख के, रात में दूध पड़ा था तो मैंने कहा लाओ फाड़ देती हूँ, नहीं खराब कहीं हो जाए, तो मैंने ऐसे ही कपड़ा उठा के ही रख दिया। बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, काम तो कर रही थी, ना करती तो फिर वो पड़ा बेकार हो जाए हर काम। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि ला वीडियो बनाऊँ हर चीज की, मैंने कहा लाओ कर लेती। कुछ बना दूंगी इनके लिए, पराठे ही बना दूंगी पनीर के। तो दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने चमचा में ऑयल डाल के चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, और तोरी गल गई है तो बस अब इसमें मैं मसाले डालूंगी। पहले तो मैं तड़का लगा देती हूँ, सिंपल जीरा का ही लगाऊंगी, क्योंकि लहसुन वैसे लहसुन का भी लगा देती लेकिन लहसुन ख़त्म हो रहा है, थोड़ा ही पड़ा है, तो मैंने सोचा कुछ और। मैं दो तीन दिन से सब्जी वाले भैया से रोज़ बोल रही हूँ कि लहसुन ले आओ लहसुन ले आओ, पता नहीं कह रहा कि बड़े महंगे। दाल चावल सब्जी तीनों चीज़ें बन गई हैं, तो बस मैं ये आटा लगा लेती हूँ। और आज आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो मैं सारा आटा झाड़ के छान लिया मैंने, तो बस अब ये थोड़ी देर में या फिर शाम को, क्योंकि आटा अभी पिसा नहीं है और मैं धूप में रखाई थी गेहूँ, तो वो भी ऊपर जाके देखना है अभी, तो बस इसलिए मैंने ये डिब्बा ऐसे ही रख दिया, थोड़ी देर में इसको धो के रखूँगी। खाना मैंने दे दिया है, तो कुछ कपड़े मैंने धोए थे हाथ से ही धोए थे, ये सूट वगैरह अपने,
तो बस मैं इनको और ऊपर डाल आती हूँ, नहीं तो फिर खाना वगैरह खा लो ना तो फिर मुझे भी थोड़ा आलस आने लगता है क्योंकि थक भी जाती हूँ और ऊपर जाने का फिर मन नहीं करता है। तो बस मैंने सोचा पहले डाल ही आती हूँ मैं। ये ना सुबह ये गेहूँ साफ़ करे थे तो मैंने बाहर नहीं रखे, मैंने यहाँ पे धूप आ रही थी तो मैंने ये दरवाज़ा खोल दिया, मैंने कहा यहीं से धूप लग जाएगी, जितनी लगनी उन्हें पता चले मैं नीचे रहूँ और एकदम से बारिश हो जाए। तो यहाँ पे ये दलिया वगैरह भी मैं रख गई थी सुबह, धनिया भी तो सिस्टी रख गई है। तो बस खाना मैंने खा लिया है, कपड़े भी डाल आई मैं ऊपर, बस दवाई क्या कहते हैं दवाई निकाल के रखी है वो पीनी खानी है मुझे गर्म पानी इसके साथ, मतलब हल्के कोसे पानी के साथ। बस थोड़ी देर में मतलब खाना खाने के आधा घंटे बाद खानी है दवा, थोड़ा हो जाए आधा घंटा तब मैं दवा खाऊं। और बस कल तबीयत सही नहीं थी, काम तो करने ही पड़े, मतलब धीरे धीरे करे मतलब पूजा वगैरह सब कुछ किया बस, लेकिन इतनी मतलब एक होता है कि काम तो हमें करने ही होते हैं लेकिन एक ब्लॉग वाली बात हो जाती ना उस पर हमारा वो हो जाता है कि भाई अब ब्लॉग के लिए, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं वो एक घंटे में होगा, ब्लॉग के लिए वो एक घंटा एक्स्ट्रा और रखो, बार बार ट्राईपॉड, इतनी मेरे अंदर ताकत नहीं थी कि बार बार मैं ट्राईपॉड लगाऊँ और रखूँ फिर यहाँ सेट करूँ, इसलिए मैंने कल कोई ब्लॉग नहीं बनाया। बस इन लोगों को हाँ कल संडे था तो बस सीधा मैंने खाना ही बनाया था, झाड़ू पोछा वगैरह ये किचन विचिन थोड़ी धीरे धीरे करके समेटी और बस दाल बना ली थी। खाना मतलब ऐसा बनाया था कि जो मैं भी खा पाऊँ। हाँ वो करायल की सब्ज़ी रखी थी ना रात की, रात में बनाई थी मैंने सैटरडे को, तो करायल की सब्ज़ी रखी थी तो बच्चों ने मैंने चावल बना लिए थे, तो इन लोगों ने चावल के साथ पहले ब्रेड वगैरह खा ली थी फिर चावल के साथ करायल खा लिया था। तो मैंने मूंग की दाल बनाई थी तो इन्होंने और मैंने मूंग की दाल के साथ रोटी खा ली थी, फिर रात में मैंने थोड़ी सी लौकी की सब्ज़ी बनाई तो बस बच्चों के लिए, बच्चों ने बस उसी खा लेना। हाँ बच्चों ने, बच्चों की आदत होती है मूंग की दाल बने और वो लौकी तोरी बने तो खाना ही नहीं, तो फिर इन लोगों ने मैंने एक एक पराठा बनाया और इन लोगों ने वो कटहल के अचार के साथ और आम के साथ खाया। और दाल मैंने इसलिए ज़्यादा बना ली थी पतली पतली मूंग की, इन्होंने फिर शाम को भी खा ली और लौकी की सब्ज़ी। उन लोगों को तो खाना अच्छा लगता है हल्का, लेकिन बच्चों को नहीं लगता अच्छा खाना। चलिए अब थोड़ी देर में मैं दवाई लूँगी, बाय बाय, ज़्यादा रेस्ट करूँगी।